गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। एज आर चैप्टर इज गोइंग ऑन, हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। एंड और हमने इसमें ऑलरेडी स्टडी किया था कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन का ब्रिटिश के द्वारा। अब हम स्टडी करेंगे अ टाइम लाइन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1800 टू 1916। मीन्स क्या क्या मूवमेंट हुए जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथन किया। सो लेट स्टार्ट 1800 onwards, the rise of social reformer. 1800 onwards क्या हुआ कि social reformer का rise हुआ। reformers होते हैं जो समाज में बुराइयाँ फैली हैं उनको चेंज करते हैं, ठीक है, मीन्स सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले होते हैं social reformers. There was a rise of new leadership among the Indians. अब 1800 में क्या हुआ कि जो new Indians के अंदर एक नई leadership की जो feeling है उसका arise हुआ, आरंभ हुआ। As many educated individuals begin to question the British Raj, तो जो बहुत सारे जो individuals थे, जो educated person थे, उन्होंने question करना start कर दिया British Raj के against. It marked the beginning of Indian struggle for freedom. तो freedom को लेके जो India का struggle चल रहा था ये उसकी beginning थी, means, ठीक है। अब इसके leader कौन कौन थे, राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान एंड सो ऑन, और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। द सोशल लीडर्स अग्ड होते मैसेज किया, समझाया इंडियंस को टू वर्क टुवार्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, कि हमें जो औरत की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इनक्रेज द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंग ऑल, और उन्होंने इनक्रेज किया कि हमें सबको मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए ताकि हमें सही गलत का समझ आए और हम इनके बारे में समझ पाएँ, ठीक है। जैसे हम उनको, जब उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ली तो उनको पता चला कि जो ब्रिटिश रूल है वो क्या कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। क्रिटिसाइज्ड एंड फोर्ट, क्रिटिसाइज्ड किया मीन्स, ठीक है, एंड फोर्ट टू अबॉलिश सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन होते हैं जो अंधविश्वास है, उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनके अगेंस्ट उनको फोर्ट किया और उनको अबॉलिश होते ख़त्म किया उन बिलीव्स को एंड प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड मैरिज एंड सती इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ सुपरस्टिशंस थी लाइक सती, यू डोंट नो बच्चे सती प्रथा क्या होती है, कि सती प्रथा में जब एक लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो ना उसको साथ में उसके जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो मीन्स जो विडोज होती थी उनको रीमैरिज अलाउड नहीं थी। पहली बात तो सती प्रथा शुरू हुई थी उसमें लड़की को साथ में ही जला देते थे, चाइल्ड मैरिज, छोटी सी एज में ही लड़की की शादी हो जाती थी। तो इस तरह के रिफॉर्मर्स, ठीक है, 1800 ऑनवर्ड्स ये रिफॉर्मर्स होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट क्या मूवमेंट हुआ, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857, क्रांति जो आई हमारी आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासे, प्लासे के जो बैटल हुआ था 100 ईयर्स बाद, द इंडियन पीपल रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1857 में उन्होंने इसके अगेंस्ट जो इंडियन पीपल थे उन्होंने ब्रिटिश जो रूल है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। दिस रिवोल्ट इज़ नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857 के नेम से जाना जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड बाई सम हिस्टोरियंस एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ऑलरेडी ये सब हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में, कौन कौन से लीडर्स थे ये भी हम पढ़ चुके हैं, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम, हजरत महल, एम्परर बहादुर शाह जफर एंड सो ऑन। रिजल्ट क्या हुआ, द रिवोल्ट वॉज मर्सीलेसली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। स्प्रेस्ड होता है कि दबा दिया गया उसको बड़ी बड़ी क्रुएलिटी से। इसका रिजल्ट क्या रहा कि इसको बड़ी क्रुएलिटी से जो ब्रिटिश लोगों ने इस रिवोल्ट को दबा दिया। देन नेक्स्ट जो मूवमेंट था वो था 1858, मींस 1857 में रूल तो एंड हुआ, एंड ऑफ EEIC's रूल, मींस जो कंपनी का रूल था वो तो एंड हो गया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड एंड द इंडियन came under the direct rule of British Crown. British Crown के direct rule में आ गया and Queen Victoria वहाँ की महारानी बन गई। Then next movement क्या हुआ 1885 में, formation of Indian National Congress, कि Indian National Congress की formation हुई। The Indian National Congress जिसे INC short में कहा जाता है was formed to unite इंडियंस पोलिटिकली इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, मीन्स इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। इनके लीडर्स कौन थे,
द INC मीन्स जो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेटअप बाय एलान ऑक्टेवियन ह्यूम, अ रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिशियल, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिशियल थे. अदर लीडर्स वर दादा भाई नरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड सो ऑन. ये कुछ लीडर्स थे. एम्स ऑफ द INC, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका एम क्या था? द अर्ली नेशनल लीडर्स, उनका एम था एम टू फाइट फॉर फ्रीडम स्टेप बाय स्टेप, कि हम स्टेप बाय स्टेप फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे. आस्ट द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स, कि हम इंडियन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करें. आर्ग्यूड फॉर द इंक्लूजन, मीन्स उन्होंने आर्ग्यू किया इन्वॉल्व करने के लिए. इंक्लूजन होता है इन्वॉल्वमेंट के लिए, कि इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया जाए. किसमें? इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स. लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और काउंसिल्स होते हैं जो लॉ बनाते हैं. अब जब इंडिया के लिए लॉ बन रहे हैं तो इंडिया के लोगों को भी तो इन्वॉल्व करना चाहिए ना, तो उन्होंने आर्ग्यू किया इसके लिए कि इंडियंस को इन्वॉल्व करना चाहिए. डिमांडेड मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उन्होंने डिमांड की कि हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने देना चाहिए, हमें इतनी फ्रीडम होने चाहिए, सो दैट पब्लिक ओपिनियन कुड बी फ्रीली इन्फॉर्म्ड थ्रू पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो लोगों के ओपिनियन है उनको फ्रीली मीन्स पब्लिश किया जाना चाहिए. रिजल्ट क्या रहा? द ब्रिटिश नेवर टुक दीज डिमांड सीरियसली, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इन डिमांड्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया. सो स्टूडेंट्स, टुडे हमने जो आज किया है, वी हैव डन दीज फोर इवेंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट अदर इवेंट्स, सो दैट वी विल मूव फर्दर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.